प्रशासन ने घटिया तहसील केंद्र का हजारों क्विंटल गेहूं बारिश के कारण सड़ने के साथ साथ बदबू मार रहा है और खुले में अब भी पड़ा पड़ा खाद बन चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम माली खेड़ी की, जहां श्री संतोष वेयर हाउस गेहूं उपार्जन केंद्र में शासन के ही कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। शासन ने मालीखेड़ी में बनाए गेहूं उपार्जन केंद्र पर करीब 20 गांव के किसानों का लगभग 2,18,800 क्विंटल गेहूं खरीदा गया था, जिसमें से करीब 1,00,000 क्विंटल गेहूं खुले खेत में रखा था जो बारिश के चलते भीग गया था। वहीं वेयर हाउस संचालक भारत सिंह पवार ने जिम्मेदारों को बार बार अवगत करवाने के बाद भी समय पर गेहूं नहीं उठाया गया। साथ ही भारी बारिश में गेहूं की बोरियां उठवाई गई, लेकिन पिंडों में जमी लगभग 35,000 क्विंटल गेहूं बुरी तरह से खराब होने और बदबू मारने के साथ खाद बन चुका है। इस वर्ष केंद्र पर किसानों की पंजीयन गेहूं उपज तुलवाने का कार्य कोरोना संक्रमण महामारी के कारण समय अवधि से 2 माह की देरी के बाद अप्रैल में उपज तुलवाने का कार्य शुरू किया, जो कि जून तक चलता रहा। बाद में पंजीयन गेहूं तुलवाई का कार्य बंद हो गया। बाद में बारिश की शुरुआत हो गई और गेहूं भीगने लगा। जब गेहूं भीगने लगा तो हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को उपार्जन केंद्र से गेहूं की बोरियां उठाने की बात कही, लेकिन अधिकारियों ने परिवहन नहीं होने का हवाला दिया। बाद में उच्च अधिकारियों को गेहूं भीगने की जानकारी दी, जिस पर करीब 8 दिनों के अंतराल में खाद्य अधिकारी ML मारू अपने दल के साथ उपार्जन केंद्र पर निरीक्षण करने पहुंचे, जिस पर सोसाइटी प्रबंधन रघुवीर सिंह पवार व सहायक उमेश पांडे को जल्द गेहूं उठवाने की बात कही थी। तब से अगस्त माह तक ठंडे बस्ते में बोरियां उठवाने का कार्य शुरू हुआ, लेकिन परिवहन नहीं होने के कारण पूरा गेहूं नहीं उठाया और वह सड़ गया, जिस पर अधिकारियों ने प्रबंधन रघुवीर सिंह पवार और सहायक पांडे को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि बारिश के चलते अगर शासन का गेहूं खराब करेंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा और इस लापरवाही के कारण हो रहे नुकसान की भरपाई हम तुम्हारी प्रॉपर्टी से करेंगे। संचालक पवार ने कहा कि खुले में रखा उपार्जन केंद्र का हजारों क्विंटल गेहूं बारिश के कारण सड़ने के साथ साथ हमारी 8 बीघा जमीन भी काम नहीं आई। अगर जमीन खाली होती तो पहले सोयाबीन और अब गेहूं चने की फसल बोई होती, लेकिन शासन की बड़ी लापरवाही के कारण हमारा 5 से 4 लाख का नुकसान हुआ जो देना होगा, अन्यथा दावा आपत्ति लगाएंगे। इधर हम्माल तुलावटी भी अपनी मेहनत का पैसा नहीं मिलने के कारण नाराज दिखे। हम्मालों के मुकद्दम नागू सिंह गोहिल ने जानकारी देते हुए बताया कि माली खेड़ी गेहूं उपार्जन केंद्र पर पंजीयन के गेहूं तुलाई की शुरुआत होते ही हमारे द्वारा यहां 12 से 14 कांटे लगाए गए थे, जिसमें लगभग 90 हम्मालों की टीलों थी, लेकिन जिन्होंने करीब 2,19,000 गेहूं की बोरियां हमारे द्वारा तोली गई थी, जिसका लगभग 15 से 16 लाख हुआ, लेकिन तुलाई का पैसा आज तक भी हमारे पास नहीं आया। जब सोसाइटी प्रबंधक रघुवीर सिंह पवार से हम्मालों का पैसा देने की बात कही तब प्रबंधन पर पहली बार संतोषजनक जवाब नहीं मिला और सभी बोरियां तोलकर पैसे देने की बात कही, लेकिन फिर भी हम्मालों का पैसा नहीं मिला। जब दूसरी बार प्रबंधक को पैसे देने की बात कही तो संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उपार्जन केंद्र के सभी कांटे बंद कर दिए गए और हम्मालों ने भी मजदूरी का पैसा नहीं मिलने पर तहसीलदार शिवराम कनासे को अवगत कराया। तब उन्हीं की मौजूदगी में सोसाइटी कर्मचारियों ने हमें 2 लाख रुपए दिए, बाकी हम्मालों की उनकी मजदूरी के रुपए अब तक नहीं मिलने के कारण हम्माल मेरे घर के चक्कर लगाने के साथ मुझे परेशान कर रहे हैं, जिससे अब मैं आहत हो चुका हूँ। क्या काम करते थे और आप किस प्रकार से आपको यहाँ पर राशि नहीं मिली? जी मैं एक मुकदम हूँ सारे हम्माल के, और ये मालिकेरी सोसाइटी में गेहूँ तुला तो उपार्जन केंद्र का, तो यहाँ पे 12 से 14 कांटे लगाए थे जो करीब करीब 2,18,000-19,000 बोरी तुली हुई थी। इसके बाद में अभी तक हम्माल के पैसे नहीं मिले हैं। सारे हम्माल हमारे घर पे आते हैं, वो बोलते हैं पैसे के लिए, और अभी तक उन्होंने भी एक रुपये भी नहीं दिए। ये हम्माल के करीब करीब पैसे बने अपने 15 लाख रुपये। आपको अभी तक कितना पैसा दिया? हमें सिर्फ 2 लाख रुपए मिले हैं। कितने हम्मालों के? ये करीब 80-90 हम्माल थे, 14 कांटे चल रहे थे। तो
आपने जब सोसाइटी के प्रबंधक या सचिव से बात करी तो उनका क्या कहना है? बोला था उन्होंने कि हम बस तुम काम करो, हम देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे। एक दो बार कांटे भी बंद करवाए थे तो सिर्फ 2 लाख रुपए दिया उन्होंने कि बाकी सब काम पूरा हो जाएंगे फिर दे देंगे। वो भी 2 लाख भी साहब तहसीलदार साहब ने दिलवाए थे। तहसीलदार साहब आए थे यहाँ पे, हमने कांटा बंद करे थे, उन्होंने आके बोला था कि हम दिलवाएंगे, तो 2 लाख रुपए दिए थे उन्होंने। हाँ जी बताएं, ये आपको पैसे के लिए क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं साहब, आप रोज घर पे आते हैं और पैसे की बोलते हैं, परेशान करते हैं, तो मैं तो उनके मारे तंग हो गया हूँ। अगर जो मेरा पैसे नहीं देंगे तो मेरे को आगे के लिए कुछ कदम उठाना पड़ेगा। कदम उठाएंगे या अगर कुछ कर गए, अभी कोरोना महामारी चल रही है, दूसरा काम भी नहीं है हमारे पास। अगर जो हमारे वक्त पैसे नहीं मिलेंगे तो हमको कुछ कदम उठाएंगे, और इसकी जवाबदारी के तो सेक्रेटरी साहब रहेंगे या फिर कोई अधिकारी उन रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।